हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस आपको रिटेन वर्क में भी दिया जा रहा है। लेसन है सॉल्यूशन, तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन विलियन एक्चुअल में क्या है। सॉल्यूशन कोई भी मिक्सर जिसमें से हम किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण लेते हैं, वो विलयन होता है, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी कि विलायक और विलेय। विलायक विलेय जो हैं वो विलयन के पार्ट्स हैं, और इन्हीं दोनों पार्ट्स के मिलने से सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब किसी भी विलयन में अगर उस मिश्रण की मात्रा अधिक होती है, जिसकी भी मात्रा अधिक होगी वो होगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप एक गिलास पानी लेते हैं, और पानी में अगर हम 2 चम्मच शक्कर डाल दें या नमक डाल दें तो वो अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाता है। ठीक है ना? तो पानी क्या है? पानी उसमें जो है वाटर जो है वो विलायक का काम करता है, एंड जो शक्कर शुगर है आपका वो सॉल्यूट यानी कि विलेय का काम करता है। ओके, इसी तरह से विलयन को और भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। विलयंस बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे कि आगे देख रहे हैं आप लोग, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, यानी कि तनु और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है? तनु तनु विलयन से मतलब है किसी विलयन का पतला होना, और सांद्र का मतलब है किसी विलयन का गाढ़ा होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम शक्कर का शरबत लेते हैं तो शक्कर का शरबत जो होगा वो आपका कैसा होगा? तनु विलयन। ठीक उसी प्रकार चाशनी देखा होगा, आखिर चाशनी भी शक्कर की बनती है, लेकिन चाशनी क्या होगी? वो होगा सांद्र विलयन। इस तरह से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। मैंने नीचे डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब किया हुआ है। विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है तो वह तनु विलयन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है तो सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब कहने का कि आप समझ सकते हैं कि जब मात्रा कम है, ठीक है, विलेय की, तो तनु है, और जब मात्रा अधिक है तो क्या है? सांद्र है। ओके, ठीक इसी प्रकार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मतलब संतृप्त और असंतृप्त विलयन की भी बात की गई है। जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में और अधिक विलेय ना घुल सके तो वह कैसा होता है? संतृप्त विलयन। मतलब कहने का कि जैसे कि एक गिलास पानी है, ठीक है, और उसमें हमने जब शक्कर डालना स्टार्ट किया तो शक्कर जब 1 चम्मच डालेंगे तो घुल जाएगी, 2 चम्मच डालेंगे घुल जाएगी, लेकिन अगर कंटिन्यू उसको डालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगा और वो उसमें स्टॉप कर जाएगी, रुकने लगेगी। जब वो शक्कर रुकने लगेगी तो इस तरह का मिक्सअप क्या हो जाएगा? वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। ओके, आगे दिया हुआ है कि जब किसी ताप पर विलयन जिसमें विलेय को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो जब और अधिक घुला जा सके यानी कि असंतृप्त, आप देखें कि अगर एक गिलास पानी है और उसमें हम नमक डाल रहे हैं, नमक घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, और अब ऐसी बात है कि इसमें 100% विलायक की मात्रा अधिक होगी तभी ऐसा होगा। ठीक है ना? तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकेगा? असंतृप्त विलयन। इसी प्रकार सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। तो राउल्ट का नियम जो है आगे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसमें इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, आगे है आपके में।
तो अभी थोड़ा सा इसको हम स्टॉप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विलियन, विलियन में कंसंट्रेशन यूनिट जो है, और सभी विलियन की कंसंट्रेशन यूनिट निकाली जाती है, यूनिट अलग अलग बेसिस पे है, आगे हर एक टॉपिक की बात की गई है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ मास, ठीक है, मास परसेंट क्या है, भार प्रतिशतता बोलते हैं हिंदी में इसको, किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता कहते हैं। नीचे मैंने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मास इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलेय की मात्रा दी हुई है, और कैपिटल डब्ल्यू जो बनाया है मैंने वो क्या है, यहाँ पे विलायक की मात्रा है। ठीक इसी बेस पे आप जो है वॉल्यूम का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मैंने फॉर्मूला दिया हुआ नीचे आपको। सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता हमेशा जो है आपको ग्राम प्रति लीटर में निकालनी होती है, और विलयन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सांद्रता। अगर भी किसी भी विलयन की सांद्रता आपको मालूम होगी तो उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आगे, उसका यूज़ जो है आसानी से हम उसको कर सकते हैं। देखिए 1 लीटर विलयन में किसी विलेय की जितनी मात्रा घुली रहती है, समझिएगा 1 लीटर विलयन में किसी विलेय की जितनी मात्रा घुली रहती है वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ओके, और मैंने उसको सांद्रता को सी से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा है, और वी क्या है, यहाँ पे आयतन। इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ठीक है। तो नॉर्मलता में क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का कि आप थोड़ा सा और नॉर्मली बेसिस में इसको याद कर सकते हैं, किसी विलयन, कोई विलयन है और उसका आयतन जो है हम हमेशा लीटर में यूज करेंगे, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। यहाँ पे क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार मतलब उसकी मात्रा भी दी गई, और प्लस उस विलयन का क्या करना है, तुल्यांकी भार भी हमको यूज करना है। इसी का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा है, ई क्या है, तुल्यांकी भार है विलयन का, और वी क्या है, विलयन का आयतन है। इसी क्रम में आगे दिया हुआ है मोलरता, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मतलब कहने का कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, और वी आयतन है। अच्छा, मोलों की संख्या को मैंने बताया हुआ है, देखो मोल साइड से मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम। ओके, इसी क्रम में आगे दिया हुआ है मोलैलिटी, मोलैलिटी को मोलैलता बोलते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। अगर हम यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक यूज कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को यूज करें। नीचे मैंने फॉर्मूला, एक्चुअल में इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट मैंने कहा कि यहाँ पे दो जगह एम को यूज करना था, तो इसलिए मैंने इसको एक एम डैश मान लिया है। तो एम डैश इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ओके, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा है, विलेय का भार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे विलायक का भार है, और एम जो है स्मॉल एम है वो विलेय का अणुभार है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी में, तो इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसका जो रिलेशन है वो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। तो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे द्वारा शो कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे का टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो पसंद आती है आपको तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। अभी हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। ओके, थैंक यू।